ये अच्छा ये सुनना है ना कि ईश्वर समर्थ में पोक करते हैं, और कुछ सुनना है? सर एक्चुअली में पोकिंग लेवल बहुत हाई हो चुका था। सो गाइस बात करते हैं, क्या अभिषेक कुमार की री एंट्री कन्फर्म हो चुकी है? एज यू नो रिसेंटली अभिषेक कुमार ने समर जोरेल को थप्पड़ लगाया था क्योंकि अभिषेक एंड ईशा के आर्ग्यूमेंट में समर्थ उन्हें प्रोवोक कर रहे थे और प्रोवोकिंग की हद इतनी ज्यादा पार हो गई थी कि समर्थ ने अभिषेक के मुंह में टिश्यू पेपर डाला था और इसीलिए अभिषेक कुमार का हाथ उठ गया। तो ये सब होने के बाद बिग बॉस एंड अंकिता लोखंडे जो कि घर की इस वक्त कैप्टन है, दोनों ने अभिषेक को पनिशमेंट दिया। बिग बॉस ने अभिषेक को कैप्टनसी टास्क में हिस्सा लेने से मना कर दिया था एंड अंकिता लोखंडे ने अभिषेक से अपने फुटवेयर पॉलिश कराए। देन ऐसा न्यूज आया कि बिग बॉस ने अंकिता लोखंडे को एक पावर दी है कि वो अभिषेक को इविक्ट कर सकती हैं। सो इस पे मेजोरिटी ऑफ घर वाले एग्री हुए एंड अभिषेक को इविक्ट कर दिया गया। पर फिर इसके बाद एक और न्यूज आने लगी कि अभिषेक कुमार की घर में री एंट्री हो सकती है बिकॉज अब अभिषेक कुमार के सपोर्ट में टीवी इंडस्ट्री के काफी लोग आ चुके हैं। ऑल्सो अभिषेक कुमार पहले ही वॉर्न किए थे कि वो क्लस्ट्रोफोबिक हैं और वो बिग बॉस से पहले ही कैमरे में बोले थे कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग हो रही है और उनकी समर्थ के साथ फाइट के बाद वो कैमरे पे अपोलोजाइज भी किए और इसीलिए बिग बॉस ने उन्हें पनिशमेंट भी दी थी। तो फिलहाल ऐसी लीक्स आ रही हैं कि अभिषेक भले ही घर से इविक्ट हो चुके हैं पर वो अभी भी सेट पर हैं और वीकेंड का वार पर सलमान खान अभिषेक की साइड लेने वाले हैं। साथ ही सब पर काफी लोग मुनावर फारूकी की दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। एज यू नो मुनावर फारूकी अभिषेक के दोस्त हैं और जब अभिषेक को दोनों तरफ से प्रोवोक किया जा रहा था तब मुनावर फारूकी चुपचाप बैठ के देख रहे थे एंड जब अभिषेक ने समर्थ के थप्पड़ मारा तो मुनावर समर्थ से हंसते हुए कहे कि जो तू चाहता था वो तुझे मिल गया। सो इसी बात के लिए मनु पंजाबी भी उन्हें क्रिटिसाइज किए। अब देखिए वो क्या कहे। तो मुनव्वर फारूकी ने सबसे पहली चीज यहां पर ये बोली थी, जैसे ही थप्पड़ पड़ी उसके बाद उसने चिंटू को कहा था, हो गया तेरा काम, तू तो जो चाहता था तुझको मिल गया ना जो तू चाहता था। हां मुनव्वर ने ये बात हंसकर बोली, इसकी जगह पर मुनव्वर की कोई और होता तो वो लड़कर गुद्दी पकड़ के उसको बोल सकता था कि तू जो चाहता था वो हुआ, तूने किया ये, तू करना चाहता था ये। एंड एक्चुअली ये अगर अभिषेक ने कैमरा को बोल दिया, कह दिया, तो बिग बॉस आप समझो ना कि एक आदमी कैमरा को बोल रहा है, समझा रहा है, कह रहा है, आप उसको रोक नहीं रहे हो बिकॉज आप भी एक्शन देखना चाहते थे। आपको जब दिख गया कि हाँ उसने कैमरा पे आके बोल दिया तो लोग बेचारे एकदम फ्रेम्ड हो गए, एकदम इल्यूजन में चले गए, ओ माय गॉड इसने सोच समझ के मारा था। नहीं नहीं नहीं, इसने सोच समझ कर नहीं, इसने आपको भी तक कह दिया था कि आई बेग यू प्लीज सेव मी, द गाइज आर पोकिंग मी रेगुलरली, मेरा हाथ उठ सकता है। और हम लोग कहते हैं जूनियर सीनियर्स के सामने, अपने बड़ों के सामने, एल्डर्स और यंगर्स को, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इट्स अ हीरोइज्म, नहीं हुआ बाद में बर्दाश्त। और वो सच बोल रहा है कि मेरा हाथ चल गया, मुझे मालूम नहीं चला, क्योंकि सोचकर हाथ चलाने वाला अभिषेक तो एटलीस्ट नहीं। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक कुमार को घर से इविक्ट हो जाना चाहिए या उन्हें एक और मौका देना चाहिए? कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।